प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटर। सर प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूँ प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नव निर्वाचित भाजपा MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। कैंपियरगंज तहसील में क्षेत्रीय विधायक DM व SSP के नेतृत्व में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। कैंट थाने की पुलिस ने ऑटो गैंग के दो टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त ऑटो व पाजेब किया बरामद। ADM सिटी के नेतृत्व में आयोजित हुआ तहसील समाधान दिवस, सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। शाहपुर थाने की पुलिस ने मोबाइल लूट व चैन स्नैचिंग करने वाले तिवारीपुर थाने के हिस्ट्री शीटर निशु पासवान व उसके साथी को किया गिरफ्तार। खोराबार थाने की पुलिस ने टप्पेबाजी व चोरी करने वाले तीन शातिर अभियुक्तों को कीमती पीली धातु के सामानों के साथ किया गिरफ्तार। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने चैन व मोबाइल छिनैती करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक यातायात व RTO द्वारा मोहतीपुर और पैटलेगंज में काले डीजल ऑटो के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। कैंट थाना क्षेत्र में जमानत पर छूटे युवक का अपहरण, पुलिस ने 5 के खिलाफ मामला किया दर्ज। और पुलिस अधीक्षक दक्षिणी का बेलीपार थाना परिसर में बना नया कार्यालय, अब यहीं से विभागीय कार्य व फरियादियों की विभिन्न समस्याओं का करेंगे निस्तारण। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को पार्टी द्वारा MLC प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से ही MLC पद पर निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा था। निर्विरोध MLC निर्वाचित होने के बाद शनिवार को गोरखपुर प्रथम आगमन पर नवनिर्वाचित भाजपा MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया। इसी क्रम में नौसर चौराहे पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ नवनिर्वाचित MLC धर्मेंद्र सिंह का भव्य स्वागत कर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। Yeah.
शासन के निर्देश के क्रम में कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संयुक्त रूप से तहसील कैंपियरगंज में संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेकर शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायत की प्रार्थना पत्रों को समयबद्ध व गुणवत्ता के साथ निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। इस मौके पर पुलिस व राजस्व विभाग के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। जो गलत फंसा है वो सब बताए। ले लो राशन कार्ड कट गए हैं टाउन एरिया में। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। आज यहां तहसील कैंपियरगंज में माह के पहले शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें आने वाले जो भी कंप्लेनेंट्स हैं उनकी कंप्लेंट पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से जो जमीन संबंधी मामले आ रहे हैं उसमें राजस्व विभाग और पुलिस की ज्वाइंट टीम बना करके मौके पर जाके उसका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश SDM और संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी दिए गए हैं। इसमें एक विशेष चीज़ है कि जब भी प्रशासन या राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर जाती है तो वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को ये हिदायत है कि उस टीम का सहयोग करें, सही नाप या जो भी निर्धारण वो करते हैं उसमें उसका सहयोग करें। यदि कोई भी व्यक्ति इस टीम के साथ जो अपने सरकारी काम करने के लिए वहाँ जा रही है उनके साथ अभद्रता करता है या किसी प्रकार के उनके कार्य में बाधा डालता है तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम का सहयोग करके इन विवादों को जल्दी सुलझाया जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने निजी लाभ के लिए या गलत चीज़ करवाने के लिए दबाव डालता है, इस टीम के काम में बाधा डालता है तो उसके ऊपर भी अवैधिक कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो दिए गए। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने ऑटो गैंग के दो टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान विकास कुमार सोनकर व दीपक के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त ऑटो और एक पाजेब भी बरामद किया है।
ठीक है बढ़िया, रुक जाइए सर। इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में आज थाना कैंट क्षेत्र में एक टप्पेबाजी की गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें लोग ऑटो संचालित गैंग है ये, इसमें चार लोग बैठ के ऑटो ड्राइवर समेत किसी भी अकेली महिला को देख के टारगेट आइडेंटिफाई करते थे। टारगेट आइडेंटिफाई कराने के बाद उस महिला को ये ऑटो में बिठा देते एवं उसको बहला फुसला के उसके गहने जो है एक झोले में डाल देते थे, फिर बता देते कि सामने पुलिस है, पुलिस आके चेकिंग कर रही है। इस बहाने वो झोले को फिर उसी वापो में झोले की अदला बदली कर देते थे या झोले में से जो उनका सोना था वो चोरी कर लेते थे और फिर आगे जाके महिला को उतार देते थे और फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। इस तरह की एक घटना 24/6 को थाना कैंट में हुई थी, उसको CCTV के आधार पर जहाँ ये उतरे थे वहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए इनके चेहरे और पता रसी सुराग रसी के आधार पर कल फिर इनको फल मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पाइजेब बरामद हुई है, बाकी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने बेच के उसका पैसा है वो खर्च कर दिया गया। सर, महिला यात्रियों को जागरूक करने के लिए कुछ अपील भी करना चाहेंगे? शहर में बहुत सारे टप्पेबाज समय समय पे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी निवासियों से मेरा आग्रह है कि आप किसी भी क्षेत्र में आप जाएं या किसी भी टैक्सी ऑटो बस जहाँ कहीं भी ट्रेवल करें, आप किसी व्यक्ति पर विश्वास ना करें, स्वयं के साधन का स्वयं ध्यान रखें एवं किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का मोबाइल नंबर, अपना गहना या फिर अपना कोई भी साधन किसी के साथ शेयर ना करें, इस प्रकार की टप्पेबाजों एवं जालसाजों से बचें। तहसील सदर सभागार में ADM सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्या को सुन संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर न्याय संगत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि तहसील समाधान दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद व पुलिस संबंधी आए थे और कुछ मामले राशन कार्ड बनवाने से संबंधित थे, जिनमें से कुछ का निस्तारण मौके पर ही किया गया। अन्य के लिए राजस्व व पुलिस की टीम गठित कर मौके पर जाकर निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर अपर SDM सदर शिवम सिंह सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समझ थोड़ी आ रहा है, हमें अभी चाहिए कि हम जाके कचरा डालें, जो प्रक्रिया है उसी में जाएगा ना यार, ठीक है? हाँ, तो फिर आपने क्या किया है? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ADM सिटी विनीत कुमार ने बताया, सदर में आज तहसील दिवस में जो पब्लिक आ रही है, ज़्यादातर उनकी समस्याएं या तो जमीन संबंधी विवाद को लेकर है या पुलिस को लेकर कुछ शिकायतें हैं, मारपीट की या अन्य किसी फौजदारी की शिकायतें। इसके अलावा कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर जैसे पेंशन, राशन कार्ड आदि की मांगों को लेकर अपना अप्लीकेशन दे रहे हैं और जिनका तत्काल मौके पर निस्तारण हो सकता है उनको तत्काल मौके पर निस्तारण कराया जा रहा है। इसके अलावा जिसमें राजस्व और पुलिस की टीम को भेजने की आवश्यकता है उनको भी तुरंत भेजकर टीम अभी तहसील दिवस के बाद उनका निस्तारण कराया जाएगा। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत शाहपुर थाने के पुलिस ने मोबाइल लूट व चैन स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
जिसकी पहचान नीशु पासवान व विजय कुमार गौड़ के रूप में हुई है। बता दें कि नीशु पासवान हिस्ट्री सीटर अपराधी है और जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे संगीन धाराओं में इसके ऊपर दर्ज है। इस संबंध में पुलिस लाइन के सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया। थाना शाहपुर अंतर्गत एक ऐसा मसला सामने आया जिसमें एक विनय कुमार साहू जो कस्टम सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने सूचना दी कि वो बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन की तरफ कल प्रातः 3 बजे जा रहे थे। उसी टाइम उनका एक फ़ोन दो मोटरसाइकिल सवार द्वारा रेटिना गाड़ी पर छीन लिया गया एवं उसके बाद में वहाँ से भाग गए। उसके बाद में तत्परता से पुलिस ने कैमरे खंगाले पर कुछ लोगों के फ़ोटो आइडेंटिफाई किए गए और उन फोटो को आइडेंटिफाई करने पर पतारसी सुरागरसी की गई, जिनका जो थाने में पहले एक और मुकदमा जिसमें चैन स्नेचिंग में वांछित थे वो, तो इसके बाद में फिर धरपकड़ की गई एवं दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम नीशु पासवान है जो कि थाने का HS है और दूसरा विजय कुमार गौड़। इन पर 9 और 4 टोटल 13 मुकदमे दर्ज हैं पहले से और इनके पास से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और 9,200 रुपये पुरानी चैन स्नेचिंग की लूट के जो पैसे मिले थे वो, और जो कस्टम सुपरिटेंडेंट साहब से जो मोबाइल छीना गया था वो भी बरामद किया गया। सर एक तमंचा कहाँ से लाए थे ये? तमंचा अभी तक पता चला है कि ये मुंगेर से प्रोक्योर करते हैं। अब आगे और पता कराया जा रहा है कि मुंगेर में एग्जैक्टली कहाँ से लाते हैं। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खोराबार थाने की पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान परविंद डोम, अर्जुन बासफोड़ व मंगरू डोम के रूप में हुई है। पकड़े गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ खोराबार थाना क्षेत्र में विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 2 मंगलसूत्र लॉकेट, 2 कान का टॉप्स, 2 कान की झुमकी सहित अन्य सामानों को बरामद की है। इस संबंध में पुलिस लाइन के सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया। अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज 2 टप्पेबाजी की गैंग का पर्दाफाश हुआ है, एक थाना कैंट अंतर्गत, दूसरा थाना खोराबार के अंतर्गत। थाना खोराबार के अंतर्गत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो टप्पेबाजी में शामिल होते हैं। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडे इस प्रकार है कि वो किसी भी शनिवार या शुक्रवार या जब भी कोई बाजार लगता है तो बाज़ार में ये भोले वाले लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं एवं उसको बाद में साइड में ले जाके उनको पागल बनाते हैं। साथ में महिलाओं की भी गैंग होती है इनके, उनको भी आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि कौन महिलाएं हैं। उसके बाद में ये लोग सब्जी के बहाने साथ में बैठ के उससे बात करते हैं या फिर साइड में ले जाते हैं। साइड में ले जाने के बाद उनको बहला फुसला कर उनसे गहना ले लेते हैं एवं बाद में आगे पुलिस की चेकिंग का बहाना बता के वहाँ पर ये लोग गहना का अदला बदली कर लेते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस प्रकार के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, परविंद डोम, अर्जुन बांसकोड़ और मंगरू डोम। इनके पास से 2 मंगलसूत्र के लॉकेट, 1 जूतिया का लॉकेट और 2 कान के सोने के टोपस और 2 कान की झुमकी, सभी सोने का सामान जो है वो बरामद किया गया है एवं जितनी भी घटनाएं हैं इनके द्वारा पूर्व में की गई 3 घटनाएं की गई है, तीनों घटनाओं का सफल अनावरण आज थाना खोराबार द्वारा किया गया। इसका मास्टरमाइंड कौन है? ये इसका मास्टरमाइंड नहीं है, इनका गैंग है, ये साथ में काम करते हैं, महिलाएँ भी हैं और इसमें 3 पुरुष हैं, तीनों पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं, महिलाओं की दबिश दी जा रही है और उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935909811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोरखनाथ थाने के पुलिस ने चैन व मोबाइल छिनैती करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को प्रभाकर व मनेंद्र को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लूट की गई 4 मोबाइल फोन, लूट में प्रयुक्त यामाहा मोटरसाइकिल आदि बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना गोरखनाथ द्वारा एक फुटवर्क किया गया है, जिसमें एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि थाना क्षेत्र में कुछ मोबाइल छिनेत लोग एक्टिव हैं, तो उस पर दबिश दी गई। दबिश देने पर एक जामा मोबाइल जो से ये घटना कारित करते हैं उसको बरामद किया गया। उसके साथ साथ 2 और अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से 26 सिम कार्ड, इसका मतलब यह है कि इन्होंने और इतनी संख्या में मोबाइल जरूर लूटे हैं लोगों के, एवं वर्तमान में इनके पास से 4 टूटे फूटे मोबाइल एवं 4 अदद चालू हालत में मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये गोरखनाथ थाना क्षेत्र की एक अच्छी वर्कआउट है और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से। सर, ये घटना कैसे अंजाम देते थे, कहाँ के रहने वाले? ये लोग थाना गोरखनाथ क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति जो मोबाइल पे बात कर रहा होता है उस व्यक्ति पर के पास में अपनी यामा बाइक, जो फास्ट चलने वाली बाइक होती है, उसके ऊपर आगे पीछे बैठ के घटना को अंजाम देते थे। एवं इनके इस तरह जेल जाने के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र में घटनाओं पर रोक। मोबाइलों को करते क्या? मोबाइलों को आगे बेच दिया करते थे, जिस दुकान पर बेचते थे उस दुकान का पता लगाया जा रहा है। जाँच की पर पाया गया कि उस पर इस प्रकार के और कोई मोबाइल नहीं थे, सबकी IMEI वेरीफाई कराई गई तो सही पाए गए। तो और भी पता रस्सी सुरक्षा की जा रही है कि और कोई अन्य जगहों पे जहाँ पे बेचते थे आगे कार्रवाई की जाएगी। शहर में पूर्ण रूप से डीजल ऑटो पर प्रतिबंध को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह व RTO विभाग द्वारा संयुक्त रूप से काले ऑटो के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में मोहद्दीपुर और पैडलीगंज में काले डीजल ऑटो के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। नियम विरुद्ध तरीके से शहर में चल रहे दर्जनों काले डीजल ऑटो का चालान भी किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते ही वे
ATO BK सिंह ने बताया। एक्चुअली आज का जो अभियान है वो कल भी चला था, कल असुरन और तरंग पे चला था, आज ये दो जगहों पे चलेगा। अभी पहला जो है कौन सा चौराहा है, ये महद्दीपुर है, और अगला जो है अभी पैडलेगंज में चलना है। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ब्लैक ऑटो रिक्शा है ये शहर के सीमा अंतर्गत, जो गोरखपुर का शहरी सीमा है इसके अंतर्गत संचालित नहीं हो सकता, यहाँ परमिट अलाउ नहीं है। 16 किलोमीटर की परत तक इनको चलना अलाउ नहीं है और इसका उल्लंघन ये कर रहे हैं। इनको दो तीन बार चेतावनी भी दी गई, चालान भी किया गया, लेकिन इनकी संख्या में कमी उतनी नहीं आ रही जितनी अपेक्षा है, इनको बिल्कुल बैन करना है हमको। कैंट इलाके के संघड़िया के पास जिम करने जा रहे जमानत पर रिहा 25 वर्षीय ज्वाला निषाद को शुक्रवार की शाम कार सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर जबरन उठा लिया। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ज्वाला को रानी टीहा के पास उतार कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और अपहृत दिलवाला निषाद को सकुशल बरामद किया है। वहीं ज्वाला की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों पर अपहरण, मारपीट, धमकी देने व आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। कैंट थाना अंतर्गत सिंघड़िया क्षेत्र में मॉडल शॉप के बाहर 12 तारीख को एक मारपीट की घटना हुई थी। उसी घटना के सिलसिले में आज उस घटना का अभियुक्त ज्वाला निषाद अपने घर से जिम की तरफ जा रहा था, जिम के बाहर से उसका 5 लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिसमें एक कंस्पिरेटर है और 4 लोग हैं जो घटना में शामिल थे। उसके बाद में वो उसको कोराबार एवं रामगढ़ ताल क्षेत्र में लेके गए। घटना की सूचना उसके परिचित ने पुलिस को दी तो पुलिस ने तत्काल गाड़ी नंबर से ट्रेस करते हुए एक अभियुक्त के घर पे दबिश दी और इस दबिश की सूचना मिलते ही उन्होंने अपहृत व्यक्ति को रामगढ़ ताल के नौगायन क्षेत्र में छोड़ दिया। एवं उसके बाद में पुलिस इस पड़ताल में जुटी है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इसका अपहरण किया है एवं जल्द ही इस घटना का सफल अनावरण कर अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में कैंट थाना अंतर्गत एक मुकदमा 364, 323, 504, 506 एवं 120B का दर्ज किया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कार्यालय के नवीनीकरण को लेकर अब पुलिस अधीक्षक दक्षिणी का नया कार्यालय बेलीपार थाना परिसर में बनाया गया है, जहां पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह फरियादियों की समस्याओं को सुने और न्याय संगत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बता दें कि शनिवार से पुलिस अधीक्षक दक्षिणी लगातार अब अपने नए कार्यालय बेलीपार थाना परिसर में ही बैठकर फरियादियों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण व अन्य कार्यों को संपादित करेंगे। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नव निर्वाचित भाजपा MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। कैंपियरगंज तहसील में क्षेत्रीय विधायक, DM व SSP के नेतृत्व में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। कैंट थाने की पुलिस ने ऑटो गैंग के 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त ऑटो व पाजेब किया बरामद।
एडीएम सिटी के नेतृत्व में आयोजित हुआ तहसील समाधान दिवस, सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। शाहपुर थाने की पुलिस ने मोबाइल लूट व चैन स्नैचिंग करने वाले तिवारीपुर थाने के हिस्ट्री शीटर निशु पासवान व उसके साथी को किया गिरफ्तार। खोराबार थाने की पुलिस ने टप्पेबाजी व चोरी करने वाले तीन शातिर अभियुक्तों को कीमती पीली धातु के सामानों के साथ किया गिरफ्तार। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने चैन व मोबाइल छिनैती करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक यातायात व आरटीओ द्वारा मोहतीपुर और पैटलेगंज में काले डीजल ऑटो के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। कैन थाना क्षेत्र में जमानत पर छूटे युवक का अपहरण, पुलिस ने 5 के खिलाफ मामला किया दर्ज। और पुलिस अधीक्षक दक्षिणी का बेलीपार थाना परिसर में बना नया कार्यालय, अब यहीं से विभागीय कार्य व फरियादियों की विभिन्न समस्याओं का करेंगे निस्तारण। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। सही प्रणाम।